आज बहुत ही झटपट और क्विक एक स्नैक बनाने वाले हैं जो टी टाइम के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है और बनाने में एकदम सिंपल है। आप इसकी जो बनावट है लंबी वो देख के डरना मत, बहुत इजी है, बनाने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं स्नैक्स, क्विक स्नैक्स। वीडियो चलिए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। एक बाउल लेना है, बाउल में क्या करना है आपको, दो बॉयल आलू मीडियम साइज के ऐसे घिस देना है, रगड़ देना है, ठीक है, दो बॉयल आलू। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक जो कि होगा स्वाद अनुसार, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, कॉर्नफ्लोर डालेंगे लगभग 5 से 6 बड़े चम्मच। इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि कितनी पड़ेगी, अभी फिलहाल हम इसे मैश करेंगे, मतलब कि मिलाएंगे। हमें एक ना इसका डो तैयार करना है, और हाँ हरा धनिया रह गया था तो वो भी हमने डाल दिया है। तो हम कहाँ थे, हाँ इसका एक अच्छा सा डो तैयार करना है, जैसे आटा वगैरह गूंथते हैं ना वैसे। अब हाथों में चिपकने लगे तो एक बार हाथ वॉश कर लीजिए, थोड़ा ऑयल लगा लीजिएगा, फिर से शुरू हो जाएगा इसे गूंदने। मुझे इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर में हो चुका है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर लगे तो थोड़ा डाल दीजिएगा, और पानी लगे तो डाल दीजिए। डो तैयार है। उसके बाद फ्लोर पे आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, और सिंपली आपको इसे बेल लेना है, लेकिन हल्के हाथ से बेलिएगा, ये थोड़ा मतलब नाजुक होता है, तो हल्के हाथ से बेलिएगा, और इसे थोड़ा मोटा रखना है, लाइक 2 रोटी के जितना इसको मोटा रखना है। अब ये मेरा खानदानी चाकू लेना है, और इसे स्क्वायर शेप देने की कोशिश करनी है। कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी को भी बहुत मेहनत लगी है। अब इसमें ऑयल लगाएंगे, और इसे हम फूट पट्टी बोलते हैं ना, वैसा काम करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे लंबे लंबे पीसेस में, देखिए ऐसे ऐसे ही आपको सारे पीसेस लंबे लंबे स्क्वायर स्क्वायर, ये देखिए आए हाय देखने में शानदार, हाँ। तो ऐसे ही आपको कट कर लेना, कोई रेस्ट नहीं देनी, फ्लेम आपको एकदम लो रखना है, और सिंपली इसे हम फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है, तनिक भी आपको हाई फ्लेम नहीं करना है, थोड़ा भी आपको हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम अलट पलट के। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ना थोड़ी क्रिस्पी होने लगी है, जब आपको लगे कि हाँ ये क्रिस्पी होने लगी है, और ये हो चुकी है 5 से 7 मिनट के बाद, तो हम इसे इसमें से निकाल लेंगे, और बाकी के पीसेस भी आपको ऐसे ही इसे डीप फ्राई कर लेना है। अब बात आती है काम की, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसे हरी चटनी, नीली चटनी, पीली चटनी, काली चटनी जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकते हैं, ऐसे भी ठूंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रूरी काम क्या है कि आप सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन प्रेस करके जाएं, ताकि जब मैं फिर से वीडियो अपलोड डालूं तो फिर से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।